स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एसपी ने किया डीजीपी के आदेश पर लोगों को जागरूक। बिजनौर किरतपुर में पुलिस अधीक्षक जनपदपुर बिजनौर द्वारा भारी पुलिस फोर्स के साथ थाना किरतपुर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा किरतपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नारी सम्मान के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के संबंध में जनता को जागरूक करना तथा जनता में कानून के प्रति विश्वास और अपराधियों में भय उत्पन्न करना है। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत अनावश्यक रूप से घर से न निकलने, जरूरी होने पर निकलने के दौरान मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करने, अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन का पालन करने, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने व यातायात नियमों को पालन करने की अपील की गई। बिजनौर संवाददाता शमीम अहमद की रिपोर्ट। डीजीपी साहब की तरफ से नवंबर माह में पूरे प्रदेश में एक माह का ट्रैफिक माह मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ पहले और बाद में भी उसका सतत अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण, लोगों में जागरूकता, स्कूल कॉलेज में जाकर के छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों को पालन करने के संबंध में उसको जागरूक किया गया। इससे पुलिस का, जनता का और छात्राओं का इंटरेक्शन बढ़ा। यह भी बताया गया कि एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या कोविड-19 और हत्या से कहीं कई ज़्यादा है। ये आंकड़े सुन करके लोगों को काफ़ी अपील किया है और एक्सीडेंट में जो लोगों के खर्च हो रहे हैं ये भी चीज़ें लोगों को अपील की। और जनपद बिजनौर में सभी लोगों ने, छात्र छात्राओं ने, बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने इसका स्वागत किया और हेलमेट का वितरण किया गया। अधिकतम लोग हेलमेट लगा करके चल रहे हैं। व्यापारियों ने भी इसमें अच्छा रिस्पांस दिया है। ट्रैफिक के प्रति बिजनौर जैसे जो शहर है, जो कस्बों का जिला माना जाता है, लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा।